ये एक इवेंट जो है वो मुनक्कद हो सकता है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब शाम के कहते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब को मिस्र क्रिकेट ग्राउंड में तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ जनाब जुहैर मजीद साहब को भी खुशामदीद कहते हैं।
करवाएंगे और तनवीर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मिसम 11 के कैप्टन जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब मिसम 11 का क्रिकेट टीम का तारफ गाड़ियों का तारफ चौधरी अब्दुल मजीद साहब से करवाएंगे। नेशनल एंथम के लिए तमाम हजरात खड़े हो जाएं। अजान हो रही है, लिहाजा 2 मिनट का वक्फा किया जाए। राम राम राम। मेहरबानी खुशी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का तारुफ दोनों टीमों से करवाया जा रहा है। तारुफ के बाद तमाम हाजिर टीम के साथ यहीं पे मौजूद रहेंगे। कामी तराना उसके बाद होगा, उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी दाइस की जानिब तशरीफ ले आएंगे। तनवीर एसोसिएट्स के सीईओ मिसम 11 के कैप्टन सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, वेट सर सब ग्रुप तो ये पाकिस्तान में भी 10-12 अरब डॉलर का ये एक इवेंट जो है वो मुनक्कद हो सकता है। तो अब तो माशाल्लाह ये जो खेल है ये भी एक बिजनेस के तौर पे पाकिस्तान या कौमों में या मुल्कों में ये लिया जाता है। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम भी इस एक्टिविटी को एक उसी पैटर्न के ऊपर प्रमोट करें, जैसे शाह साहब ने माशाल्लाह ये ग्राउंड बना रहे हैं। आपको पता है ये फैसल टाउन का सी ब्लॉक है, इसका कब्जा अभी हमने 26 को अनाउंस किया है, 26 मार्च को 27 को हम इसी ग्राउंड में एक तकरीब कर रहे हैं जिसमें हम अनाउंस कर रहे हैं कि अब आप आएंगी, आप इसमें अपने ड्यूज क्लियर करें, NDC लें और पोजेशन अपना घर स्टार्ट करें। तो माशाल्लाह जिसमें ये आपके सामने 5-स्टार स्कूल, कमर्शियल एरिए और ये ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, पार्क, हर चीज़ माशाल्लाह पहले बननी शुरू की है। जामे मस्जिद हज़रत ऐशा रिश्ता हमने पहले इफ्तिताह कर दिया है, वो हमने अगले साल रमजान से पहले खोल दिया। तो ये देखिए इस ब्लॉक में कितनी एक्टिविटी।